अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बनाएंगे कच्ची तोर का सालन, वो भी हेल्थी सालन। ये विंटर सीजन में तो आसान से मिलते हैं। देखिए, मैं रात को इसको क्लीन करके रख लिया है ताकि इसके मोड़ भी खुल सके और ज़्यादा हेल्थ भी बनता है इसके मोड़ को। इसको है ना, रोटी में, खाने में और मुद्दे में तो बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। आप लोग भी ज़रूर एक बार इसी मेथड में सालन ट्राई कीजिए। देखिए, इसको एक काल कीजिए को तो वेट लिया है ये, इस दाने को हमारे खेतों में उगते हैं ये विंटर सीजन में। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। देखिए, इसके सारे मसाले को अब मैं वन बाय वन बताती हूँ। देखिए, दो टमाटर कट कर लिया है, थोड़ा सा हरी धनिया, देखिए एक प्याज लिया है वो भी बारीक काट लिया है, देखिए गरम मसाला, सुहाने कस्तूरी मेथी लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है। मैं हर एक फूड में ये मोटा नमक की यूज़ करती हूँ ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है और बढ़ता भी। देखिए, लाल मसाला, चिली पाउडर, देखिए हल्दी काटा लिया है, देखिए खोपरे का बुरादा, खोपरे को पाउडर कर लिया है। चलिए, आज और हेल्दी टेस्ट और बहुत टेस्ट बनता है इस हांडी में बनाना। देखिए, एक विलेज स्टाइल सालन होता है, बहुत टेस्ट बनता है इसके सालन में। ये हांडी, हांडी में सालन बनाना, आप लोग भी एक बार हांडी रहे तो ज़रूर बनाइए। चले, अब बनाने का मेथड बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस हांडी को मैं ऑलरेडी दम बिरयानी में बताई थी, मटन दम बिरयानी में। अब इसमें डाल लेंगे हम तेल। देखिए, सनफ्लावर रिफाइंड, मैं इस तेल का यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा आता है ये। देखिए फ्रेंड्स, तेल को डाल लिया है, इसका वड़ा बहुत अच्छा आता है। आप लोग को एक बार यही वीडियो में बताती हूँ मैं। एक विंटर सीजन आसानी से मिलता है, आप लोग खेतियों में जाकर ज़रूर लेकर आइए, ताकि खेती नहीं रहते हैं ना, वो तो आराम से बाज़ार में मिल जाते हैं ना। बहुत टेस्ट बनता है इसकी, जोड़ जारी का मुद्दा रहना है और टेस्ट बढ़ेगा, इसीलिए आज मेरे व्यूवर्स जारी का मुद्दा भी और ये बताइए मैडम को बोल के है, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग भी यही मेथड में ट्राई कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, तेल तो गर्म हो गया है, अब मैं इससे दाने को डाल लूँगी, ताकि दाने हार्ड होते हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा थोड़ा सा तेल में भून लीजिए ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो सके और बहुत टेस्ट बनते हैं। यही मेथड में ट्राई कीजिए आप लोग भी। देखिए, हंडी का स्वाद ही अलग होता है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लाइट गोल्ड कलर हुए हैं। ऐसा करने से सालन बहुत मज़ेदार बनता है। इसके बाद हरी धनिया को ऐड करना है, बारीक चॉप किया हुआ प्याज को डालना है, देखिए फ्रेंड्स, हमें गैस में बनाते हैं ना, थोड़ा छोटा ही फ्लेम रख लेना है ताकि हमारी हंडी फूटने की चांसेस रहती है। आप लोग भी गड़बड़ में जोर नहीं करना है आंच को, ताकि हमारी हंडी फूटने की चांसेस रहती है। एक बार ज़रूर करिए इस मेथड को हंडी। देखिए फ्रेंड्स, ये भी थोड़ा लाइट
ब्राउन हो रहे हैं हमारे प्याज और कोथमीर। देखिए आप इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसका स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, देखिए। देखिए फ्रेंड्स, अब इस सारे मसाले को मत बताए थे ना, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी और स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची पाउडर, टर्मरिक पाउडर को सब डालने को एक अच्छा सा मिक्स दे दीजिए, ताकि ये अच्छा मसालेदार बने। देखिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए ऐसा ही ड्राई बना ले को आप लोग चपाती रोटी। बच्चों को भी बहुत टेस्ट लगता है। अब इसमें जाएंगे हमारे टमाटर। टमाटर को क्यों फाइनल डाल लिया बोले तो, ताकि हमारे दाने नहीं पक सकते हैं, इसीलिए अब इसको फाइनली डाल दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, यही पानी में पकते हैं वो। देखिए फ्रेंड्स, ये स्लोली पक रहा है ना, अब इसको ढक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा ढककर पकाने से जल्दी हो जाता है हमारा सालन, ताकि हमें स्लो फ्लेम रख लिया है, इसीलिए आप लोग भी एक बार ज़रूर हांडी लाइए विलेज स्टाइल, यही मेथड में बनाइए, बहुत अच्छा आता है इसका टेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, पांच लाचे के बाद मैं ढक्कन को ओपन कर लिया है। देखिए कितना अच्छा तेल छूट गया है हमारा सालन। देखिए तेल जरा ही डाले है तो हंडी में और ज़्यादा छूटेगा, ताकि मट्टी की स्वाद ही अलग होती है ना। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें डालेंगे फाइनल ये खोपरे का पाउडर, ताकि मुझे दो से तीन लोगों को बनाने के लिए, ये मुद्दे को बना रही थी ना सालन, इसीलिए थोड़ा लिक्विड फ्लेम में ही रहना है। ज़्यादा सूखा सब्जी टाइप बने तो मुद्दे में अच्छा नहीं होता है। अब इसमें थोड़ा चपाती को होना है बोले तो, इसमें थोड़ा निकाल लेकर को फिर और मुद्दे को भी तुम बना ले सकते। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, ताकि मुद्दे के लिए लिक्विड टाइप होना है ना, चले। और थोड़ा हमारा खोपरे का फ्लेम बास रहती है ना, उसको जाने लग, और थोड़ा ढक्कन मूछ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं 5 से 10 लाजे के बाद फिर ढक्कन निकाल रही हूँ। देखिए सेम मटन का सालन हुए रहता है ना, वैसा टाइप ही बना है। देखिए कितना अच्छा, ये दाने भी अच्छा सा नरम सा गल गए हैं। चले अब हम जारी का मुद्दा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मुद्दे का पानी बॉईल हो रहा है, इसमें थोड़ा नमक डाल लीजिए। देखिए अच्छा सा बॉईल होना है पानी, और थोड़ा पानी तेल डाल लीजिए, ताकि हमारा सॉफ्ट सा बनता है मुद्दा। एक कटोरे में देखिए, इस मेजरमेंट में 2 कप आटा डाल लीजिए। देखिए 2 कप आटा डाल ली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब यही मेजरमेंट में 1 कप पानी डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं उससे 2 कप पानी डाल लिया है। देखिए इस एक भी लम्स ना रहे, ऐसा ज़रा अच्छा सा फेंट लीजिए। देखिए ऐसा कर लेने के बाद देखिए हमारा पानी उधर
फुल बॉईल हो गया है, अब डालेंगे इस मिश्रण में। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा एक घोटने की मदद से अच्छा सा फेंट लीजिए, ताकि आपको मुद्दा थोड़ा थिक रहना है तो, घट रहना है तो, और थोड़ा आटा डाल लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है बोले तो, थोड़ा अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। देखिए एक भी लम्स नहीं है, देखिए इस लकड़ी में देख रहे हैं आप लोग, घंटी घंटी होती है ना, वैसा टाइप नहीं होता है। देखिए अब इसको एक प्लेट में थोड़ा सा पानी रख करके इसके ऊपर ये है ना एक चमचा भर के दाल ले लेंगे, ताकि हमारा नरम सा मुद्दा हो गया है और थोड़ा थिक होना है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये तो परफेक्टली बन गया है। थोड़ी देर के बाद देखिए नीचे नहीं चिपकता है, देखिए कितना अच्छा ये है। देखिए इस टाइप बना लीजिए, ताकि ये कैसा बनता है बोले तो, हमें इसमें तेल डाले रहते ना, उसीलिए ये चिपकता नहीं है। अब इसको काट के एक प्लेट में डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा एक छोटी प्लेट लीजिए, उसमें ताकि थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। देखिए ऐसा करने के बाद अब उसके मुद्दे के बैटर को इसमें डाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा थोड़ा डाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा डाल लेना है। इसके बाद थोड़ा सा देखिए पानी है ना, निकाल ले करके उल्टा कर लेना है। हमारा मुद्दा रेडी हो गया, सॉफ्ट मुद्दा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये दाने का सला कितना अच्छा बन गया है। देखिए कितना अच्छा तेल दिख रहा है ना, ऐसा आप लोग भी हंडी में बनाइए, बहुत अच्छा होता है सालन और मुद्दा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। चले अब हम मुद्दा और सालन के बारे में दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमें सर्विंग प्लेट में दाल ले रही हूँ। देखिए बहुत एमी बनता है ये सालन और मुद्दा, खाने में कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है। देखिए मुद्दे के प्रिया वाले, मुद्दे को पसंद करने वाले इसके जोड़ ज़रूर बनाइए। इस डिश को लाइक करें, इस चैनल को लाइक करें, दूसरों तक शेयर कीजिए। न्यू व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब हो जिए। अस्सलामुअलैकुम।